तारीख तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। उत्तर कोरिया में सजा का कानून। उत्तर कोरिया में सजा के लिए बहुत ही विचित्र कानून बनाए गए हैं। यहाँ के कानून के अनुसार अगर कोई इंसान अपराध करते पाया गया तो न सिर्फ उसे सजा मिलेगी बल्कि उसके साथ साथ उसके और दो पीढ़ी को भी सजा से गुजरना पड़ेगा, मतलब कि उसे लड़के और पोते को भी वही सजा दी जाएगी। पाकिस्तान का अजीबोगरीब कानून। पाकिस्तान में बहुत ही विचित्र कानून बनाए गए हैं। यहाँ के कानून के अनुसार किसी की परमिशन के बिना उसका फोन छूना इलीगल है। इसके लिए आपको 6 महीने जेल की सजा भी हो सकती है। अब किसने किसका फोन छुआ यह सिर्फ फोन के मालिक के ऊपर है कि वह किसका नाम लेता है। ईरान का अजीबोगरीब कानून। ईरान के कानूनों की खास बात यह होती है कि यहाँ पर महिलाओं के लिए काफी कड़े नियम बनाए गए हैं। अगर कोई महिला अपने पति से यौन संबंध बनाने से मना कर देती है तो महिला को सजा हो सकती है, क्योंकि पति से यौन संबंध बनाने को मना करना महिलाओं के लिए किसी जुर्म के समान है। दुबई का अजीबोगरीब कानून। दुबई में शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध है। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार करने के अलावा निर्वासित भी किया जा सकता है। हालांकि बंद दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शादी से पहले खुलेआम हाथ पकड़कर चलने और किस करते हुए पकड़े जाने पर भी जेल हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया का अजीबोगरीब कानून। ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक यहाँ पर 16 साल की उम्र के बच्चे सेक्स कर सकते हैं। ये कानूनी तौर पर लीगल है, लेकिन जो बच्चे किसी की कस्टडी या केयर में रहते हैं वे 18 साल की उम्र से पहले ऐसा नहीं कर सकते हैं। यदि कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे जेल हो सकती है या फिर उस पर जुर्माना लगता है। अमेरिका का अजीबोगरीब कानून। अमेरिका के कानून के मुताबिक अगर आप ऊंचे रखते हैं तो सार्वजनिक जगहों पर आप किसी भी महिला को किस नहीं कर सकते। ऐसा करते ही आपको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। न्यू जर्सी का अजीबोगरीब कानून। न्यू जर्सी में अगर ट्रैफिक पुलिस के इस सवाल क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों रोका पर आपने ये अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा जवाब दिया तो आप पर स्वत $300 यानी 18,000 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। पाकिस्तान का अजीबोगरीब कानून। पाकिस्तान अपने किसी भी नागरिक को इजराइल जाने के लिए वीजा नहीं देता है और नहीं इजराइल की करेंसी पाकिस्तान में मान्य है। इस वजह से कोई भी पाकिस्तानी यहां से सीधे इजराइल नहीं जा पाता। दरअसल पाकिस्तान की नज़र में इजराइल देश है ही नहीं। इस वजह से यहां जाने के लिए पाकिस्तान वीजा ही जारी नहीं करता और नहीं वह इजराइल को नक्शे में दिखाता है। अब पाकिस्तान क्यों इजराइल से इतनी नफरत करता है इसका सरल कारण आप जानते हैं। उत्तर कोरिया का अजीबोगरीब कानून। किम जोंग जब सत्ता में आए उसके एक साल बाद उन्होंने बालों के स्टाइल के बारे में एक नया कानून लागू किया जिसके हिसाब से पुरुषों के पास बाल कटवाने के लिए केवल 10 विकल्प हैं और महिलाओं के पास 18 विकल्प हैं। इसके अलावा यहां के लोग किसी और तरह की स्टाइल नहीं करवा सकता। ऑस्ट्रेलिया का अजीबोगरीब कानून। यूं तो कई ऐसे देश हैं जहां पर बच्चे शराब नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया इस मामले में अन्य देशों से आगे है। दरअसल यहाँ पर बच्चे न सिर्फ शराब बल्कि सिगरेट और कॉन्डोम भी नहीं खरीद सकते हैं। अगर बच्चे ऐसा करते हैं तो उन्हें सजा भी मिल सकती है। हालांकि बच्चों द्वारा शराब सिगरेट पीने को लेकर कोई कानून नहीं है। उत्तर इस जवाब का सही उत्तर देने पर 3 विजेताओं को मिलेगा 50, 150 और 200 का पेटीएम कैश। जल्दी से जल्दी इस सवाल का उत्तर दीजिए और पाए पेटीएम कैश तुरंत। लकी विजेता को दिया जाएगा पेटीएम कैश। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद की